हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इज ऑप्टिक्स। और हमने जो टॉपिक किया था नियरर टू डेंसर मीडियम वाला, उसके रिगार्डिंग हम लोग एक न्यूमेरिकल यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला मैं रिमाइंड करवाता हूँ कि क्या था। जब भी रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए हम लोग बात करते थे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, तो फॉर्मूला होता है एन वन अपॉन माइनस यू, एन टू अपॉन वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन कैपिटल आर। एन वन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एन टू था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर सरफेस, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बी डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब उस पे चलते हैं हम लोग। स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो हमारे पास क्या है, एक कन्वेक्स की स्फेरिकल सरफेस है लाइक दिस, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एयर में है। इट मींस हियर विल बी एयर, तो इस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज पोल पी। सपोज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, दिस इज 60 सेंटीमीटर अवे, दिस इज ऑब्जेक्ट पोजीशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपकी कन्वेक्स सरफेस है उसका 1.5 है, नॉट सेंटीमीटर, यूनिट ही नहीं होती। और जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज 25 सेंटीमीटर। जो आपके पास कन्वेक्स ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि हमें वी फाइंड आउट करना है, एंड पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस की पावर भी कैलकुलेट करनी है। तो पावर के बारे में आपको पता चलेगा फॉर्मूला कैसे क्या होगा, और पहले हम लोग वी फाइंड आउट करते हैं। तो एन वन की वैल्यू है 1, एयर की बात हो रही है, यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है माइनस का 60, तो माइनस हमारा एक फॉर्मूले में है और एक यहाँ से आ जाएगा। एन टू है 1.5 और वी मुझे फाइंड करनी है। एन टू 1.5 है, एन वन 1 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 है। दिस विल बी पॉजिटिव क्योंकि जिस तरफ लाइट आ रही है उसी तरफ हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इट विल बी 1/60। आप इसका डिवाइड करोगे पॉइंट उठा के तो 10V, दिस विल बी 0.5/25। नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 60V, तो इट विल बी वी प्लस 90 इज इक्वल टू, जब आप पॉइंट हटाओगे तो इट विल बिकम 5/250। तो वी प्लस 90/60V इज इक्वल टू 1/50, क्योंकि 5 के टेबल पे ये कट हो जाएगा। नाउ वी प्लस 90 इज इक्वल टू 60V को क्रॉस कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5V प्लस 450 इज इक्वल टू 6V। वाले सभी एक साइड कर लेंगे, तो 6V में से 5V माइनस किया, वी आर लेफ्ट विद V ओनली। तो इसका मतलब क्या है, जो V आया है वो आपका 450 सेंटीमीटर आया है। तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो 450 सेंटीमीटर अवे बनेगी पोल से, क्योंकि वी पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब इमेज हमारे इस तरफ बनेगी और रियल इमेज होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ बन रही है। नाउ तो वी हमारा कैलकुलेट होके आ गया है। अब बात करनी है हम लोगों ने पावर की। पावर का फॉर्मूला आपको थियोरेटिकली में नहीं आया है, तो उसके लिए आपको ये पावर का फॉर्मूला नोट कर लेना चाहिए। पार का फॉर्मूला है एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाय आर। तो एन टू की वैल्यू है 1.5, एन वन की वैल्यू है 1 एंड आर इज 25, तो 0.5
अपॉन 25, इट विल बी 5 अपॉन 250, तो आई विल गेट 1 अपॉन 50, तो दिस इज 1 अपॉन 50, बट दिस इज इन सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो पावर की यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, और उसके लिए हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर है उसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपको हैरानी हो रही होगी कि हमने सेंटीमीटर नीचे क्यों लगाया, क्योंकि देखो N2 माइनस N1 तो एक यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी, नीचे R है, तो R मतलब सेंटीमीटर में होता है, तो इसे आपको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करोगे, तो वो 100 आपका ऊपर चला जाएगा एंड इट विल बिकम 2, और पावर की यूनिट हो गई 2 डायोप्टर। तो ये हमारे पास पावर कैलकुलेट होकर आई है। तो आप ये भी कह सकते हो कि रेयर टू डेंसर फॉर्मूले में जो राइट हैंड क्वांटिटी है वो हमें पावर के बारे में बताती है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये न्यूमेरिकल डन हुआ, एंड आई होप कि आपको क्लियर भी हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।